नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक है हमारा लिपस्टिक से। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो देखिए ये छूटता नहीं है लिपस्टिक। तो देखिए, हम हाथ से भी छुड़ाते हैं और किसी कपड़े से भी छुड़ाते हैं तो ये जल्दी छूटता नहीं है। तो देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि जब भी हम लिपस्टिक लगा लेते हैं इस तरह, तो इसका बहुत अच्छा यूज ये है कि आप वैसलीन ले लीजिए। वैसलीन देखिए, इस पर अच्छी तरह लगा लीजिए। वैसलीन अच्छी तरह लगा के आप या तो टिश्यू पेपर ले लीजिए या तो कॉटन के कपड़े। कॉटन कपड़े से देखिए, इस तरह से आप टिश्यू पेपर से इस तरह से आप साफ करेंगे और देखिए इस तरह से वैसलीन अच्छी तरह लगा के आप इसको बिल्कुल क्लीन और साफ कर सकते हैं। देखिए, आपके सामने बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है और साफ भी हो चुका है। चलते हैं अगला ट्रिक देख लेते हैं। हमारा ये है अमूल मक्खन से। तो दोस्तों, क्या होता है, कभी हम अमूल मक्खन ले आते हैं, बड़ा पैकेट भी लाते हैं और छोटा भी लाते हैं, तो देखिए अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि सर्दियों के दिनों में तो ये कटता नहीं है। तो देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि जब भी हम चाकू से काटते हैं तो कभी बहुत हार्ड होता है, ये चाकू से भी नहीं कटता है। तो देखिए, इसके अच्छा बहुत अच्छा इसके लिए बहुत अच्छा ये ट्रिक है कि हमें लेना है पीलर यानी छिलने। तो देखिए, जब भी आपको बच्चे को देना है तो देखिए इस तरह से छिलनी, जिस तरह से आप आलू छीलते हैं ना, तो इस तरह से हमें इस तरह से छील के और रोटी के ऊपर डालना है। और देखिए, इस तरह से हमें छिलनी से करके इस तरह से हम रोटी के ऊपर डाल देंगे। और क्या है ना कि रोटियों को जब भी बच्चे को आप दे रहे हैं, रोटी को थोड़ा सा हॉट करके आप इसको बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। हमारा है लैगी से। तो दोस्तों, क्या होता है कि लैगी देखिए, अक्सर जिसको पसंद है लैगी तो पहनते ही हैं। तो देखिए, हमें कभी ऐसा होता है कि कहीं जाना पड़ता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाता है सामान ले जाने के लिए। तो देखिए, हम ये आप देख पा रहे होंगे पीछे का हिस्सा है और मैं आगे का हिस्सा, ये देखिए। हमें करना क्या है, एक सॉक्स लेना है और एक कोई पिन ले लीजिए आप। देखिए, सॉक्स को इस तरह से लगा लीजिए या तो आप इस पर सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से लगा लिया, ये हमारा बिल्कुल सेफ्टी। आप अगर सफ़र में लंबा सफ़र जा रहे हैं तो इसमें आप ज्वेलरी या अपना मनी वगैरह भी इस तरह से रख सकते हैं। आगे वाले हिस्से में इस तरह लगाएंगे तो आप सफ़र में आप इस तरह से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक देख लेते हैं। ये हमारा अलाउड से है। तो दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, अलाउड तो हम सभी यूज करते हैं, सभी के घरों में मच्छर ऐसे हैं, परेशान करते रहते हैं। तो देखिए, इसके लिए किसी को इसका खुशबू पसंद नहीं है। तो देखिए, मैंने कॉटन लिया हुआ है और कॉटन के ऊपर आप कोई भी बॉडी स्प्रे डाल दीजिए और इसका जो होल देख रहे हैं ना, इसमें इस तरह कॉटन में लगा के इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। तो देखिए, इसका स्मेल तो है लेकिन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छा कमरे में आपके फैलेगा। होप करती हूँ दोस्तों, वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं अगला ट्रिक देख लिए। ये हमारा ग्लव्स से है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है कि ग्लव्स जब भी हम मेहंदी वगैरह यूज करते हैं ना, तो ग्लव्स तो हम सभी रखते हैं। तो देखिए, इस तरह से रखे रखे ग्लव्स ख़राब हो जाते हैं और एक बार हम जब भी ग्लव्स यूज कर लेते हैं ना, तो दोबारा हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें पानी लग जाता है तो ये हमारा चिपचिपा हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से ना रखे, इस तरह से पाउडर लगा के और आप किसी पन्नी में आए ग्लव्स में इस तरह से कवर करके रख देंगे तो आपका ये ग्लव्स ख़राब नहीं होगा। जब भी यूज़ करना चाहे आप इसको कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों, वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चलते हैं अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला ट्रिक है ये हमारा जूते से। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम बच्चों को जूते पहनाते, कभी ऐसा होता है टाइट रहता है तो हमारा ये पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, हमने ये चम्मच लगा के इस तरह से आप बच्चों को जूता पहनाएंगे तो इस तरह से बहुत इजीली तरीके से आप बच्चों को जूता पहना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको चम्मच को सीधे रखना है अंदर की तरफ और इस तरह से बहुत इजीली तरीके से आप जूता को पहना सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से पहनाया, जूता थोड़ा टाइट है और बहुत इजीली तरीके से बच्चा ने पहन लिया है। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक है ये हमारी ये रील से। तो दोस्तों, क्या होता है कि अक्सर रील तो हम यूज कर लेते हैं लेकिन इसका जो किनारा है इस तरह से निकल जाता है। देखिए, हमने एक खाली रील ले लिया है जो धागा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। अब मैं इसको बीच में से भी काटूंगी।
अगर थोड़ा हार्ड होता है, कटता नहीं है जल्दी, देखिए हमें या तो चाकू के हेल्प से काट लीजिए या तो कैंची से। तो देखिए हमने इसको सब इसी तरह काट लिया, थोड़ा मोटा है ये। तो देखिए हमें करना क्या है, ये जो रील का ये धागा किनारा है ना, हमें उसी पे ही लगाना है। देखिए अब बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट भी है। इसका धागा लपेट के आप इस तरह से जितने भी रील आपके पास है इस तरह से लगा दीजिए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। होप करते हैं दोस्तों की वीडियो सब पसंद आया होगा आप सबको। चलते हैं अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक ये मेरा नाखून कटर से है। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब भी हम नाखून काटते हैं ना, तो अक्सर हमारा नाखून ऐसा होता है कि हम इधर उधर काटते हैं तो छटकता रहता है। तो देखिए आपको एल्युमिनियम पेपर लेना है इस तरह से, और आप नैन कटर के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। तो चलिए मैं अपना ही नाखून काट के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से जब भी आप नाखून काटेंगे ना, तो इस तरह से नाखून आप जब भी काटेंगे, जितने भी नाखून काटेंगे आपका ये नाखून इसी के अंदर ही मिलेगा। तो देखिए इस तरह से नाखून काटेंगे, आपका जितना भी नाखून है ना, सब नाखून आपके अंदर ही मिलेगा। चलिए मैं इसको काट ली हूँ और मैं खोल के भी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जितना भी नाखून, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं मेरे, तो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जितना भी नाखून कटा है तो आपको सारा अंदर ही मिला है इसमें। देखिए इतना नाखून सब इसी के अंदर ही। तो इस तरह से दोस्तों यूज करेंगे तो आपका नाखून इस तरह से नाखून कटर के अंदर ही रहेगा। होप करते हैं दोस्तों की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।